बारिश हो रही है बाहर, बहुत मजेदार मौसम बना हुआ है। और आज जनाब तो यहाँ राइस मार्केट में आ चुका हूँ। मौसम देखें आप, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो गई है बारिश होने से। अभी वो सामने आपको स्वान रिवर नज़र आ रहा है, और वहाँ पे भी अभी हम जाएंगे, आपको दिखाता हूँ स्वान रिवर भी। क्या लेना है? स्मिथ्स लेने थे, ओरिजिनल वाले। स्मिथ्स वाले ये हाँ, पड़े हैं बड़े वाले तो है ही नहीं ना। ओके भी ट्राई करते हैं। हाँ मज़े के लग रहे हैं। चलो ठीक है, आज एनीथिंग एल्स चले रैप्स रखते हैं। हाँ जी, तो ये हमने लेने हैं, बेसिकली हम ये लेने आए हैं मिशन रैप्स ओरिजिनल वाले। हम लेते हैं फ्रूट में तो कुछ लेने वाला नहीं है, तो ये ले लेते हैं। चिकन स्ट्रिप्स लेनी है, ख़त्म हो गई हैं। और नगर से दोनों ले लेते हैं। ये ले लिया हमने जी, और चिकन नगर ये तकरीबन है जी $17 का, ये भी समथिंग 17 की होता है। ये ट्राई करना यार, जब भी आप यहाँ पे आए ये ज़रूर ट्राई करना, बड़े मज़े का है। इनके पास काफ़ी वैरायटी है। हाँ ले लें, आज लेने हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो चिकन रैप्स आए थे। आई मीन चिकन रैप्स, खाली रैप्स लेने आए थे और इतना कुछ ले लिया। तो कभी भी बच्चों को साथ ना लेके आए जब भी शॉपिंग पे आए, और ना ही अपनी वाइफ को लेके आए, वरना आपका खर्चा हो जाएगा फजूल में। मजाक कर रहा हूँ, फजूल में नहीं होता, ये चीज़ें जो है वो अच्छी होती हैं। एलिजबेथ के का जो है वो एरिया है, ये बेल टावर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये हमारे घर के नज़दीक है, और हम अक्सर यहाँ पे आते जाते रहते हैं। अब आप ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो आप यहाँ पे 7-Eleven की जो है वो काफ़ी तो लाजमी ही पियेंगे, क्योंकि सबसे जो सस्ती काफ़ी है वो आपको 7-Eleven से मिलेगी। अच्छा, BP में मैं अगले दिन गया था तो BP पे जो है $5 की होगी है, जो $2 की मिलती होती है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कितने की मिल रही है। यहाँ पे $1 की मिलती थी, वो 1 की मिल रही है या नहीं मिल रही। रेगुलर काफ़ी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं $2 की हो चुकी है, ठीक है। पहले $1 की होती थी। आप लेंगे जी एक कप, उसको रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप उसका सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी आपने रेगुलर लेनी है। उसके बाद लाटे सेलेक्ट करता हूँ, और ये आ गया जी हमारा मिल्क, और उसके बाद अगर हमने शुगर इसमें ऐड करनी है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। नज़र नहीं आ रही कहाँ पे है, अभी देख लेते हैं। शुगर भी यहीं पे है, वो लिड ले लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। हमारी कैफी रेडी हो चुकी है। ओह, ज़्यादा फुल हो गई है। ओहो हो, उन्होंने शुगर वगैरह इधर रखी हुई है, यहाँ से ये ले लेंगे, इसके साथ मिक्स करेंगे। तो फ्रेशली ग्राउंड काफ़ी रेडी हो चुकी है, और ये हम जो है वो पीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी के आप जो है ना वो आदी हो जाएंगे यहाँ पे जब आएंगे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपको जी नींद शुरू आना शुरू हो जाती है, ब्रेकफास्ट करते हैं नींद आना शुरू हो जाती है, तो इट्स नेचुरल। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि लोग जो है वो काफ़ी पीते हैं, काफ़ी से जो है वो आपकी नींद ख़त्म हो जाती है। टेम्परेरी होती है, लेकिन वो जो एक टेम्परेरी आपको नींद आती है ना खाना खाने के बाद, एक गर्मी चढ़ती है आपके सर को, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो है आप प्रोडक्टिविटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए ये लोग तो बहुत हार्ड वर्किंग जो है वो इनका है सिस्टम, सारे लोग करते हैं हार्ड वर्क, लिहाजा आपको भी जो है ना वो आदत हो जाएगी यहाँ पे काफ़ी पीने की।
तो इसलिए मुझे भी जो है वो काफ़ी पीने की आदत है। तो मुझे बड़ी कड़वी लगती थी और मैं कभी नहीं पीता था पाकिस्तान में, लेकिन अब यहाँ पे आदत होगी और काफ़ी के बगैर जो है वो मज़ा नहीं आता काम करने का। बीपी से पेट्रोल डलवाया है अभी मैंने, और काफ़ी मैंने जो है ना वो 7-Eleven से उधर से ली काफ़ी उधर से सस्ती मिलती है और पेट्रोल यहाँ से सस्ता मिलता है। तो अभी जो है तकरीबन 5:30 हो चुके हैं और अभी 171 सेंट्स का है पेट्रोल, और 6 बजे के बाद यही पेट्रोल तकरीबन 200+ सेंट्स का हो जाएगा। जो प्राइस चेंज होने की साइंस ये है कि एवरी वेनसडे को जो है वो इसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये है, बाकी स्टेट्स में भी ऐसा रिसाइकल होता है। तो उसमें यह है कि वेनसडे को, हर स्टेट का शायद डिफरेंट डे हो सकता है, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वेनसडे को जो है वो प्राइस ऊपर जाती है, लाइक 200+ हो जाती है। और एक फ्यूल की मैं जैसे कि अनलीडेड की बात करूं, और उसके बाद जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ सेंट्स कम करते रहते हैं, और ट्यूसडे को सबसे कम जो है प्राइस होगी। और सुबह 6 बजे प्राइस ये चेंज कर देते हैं, और शाम को 6 बजे ये बता देते हैं कि हमने क्या प्राइस सुबह 6 बजे चेंज करनी है। कहाँ बताते हैं? fuelwash.com.au जो है वेबसाइट है गवर्नमेंट की, और उसके ऊपर इन्होंने प्राइस जो है सारे पेट्रोल पंप जितने हैं वो सारे आपको शो हो रहे होंगे मैप पे, तो वो अपनी प्राइसेस बता देते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह से प्राइसेस इनकी चेंज होती हैं। तो आप, हो सकता है कि आपको 7-Eleven पे जो है वो सस्ता पेट्रोल मिल रहा हो जैसे वो सामने है, और हो सकता है बीपी पे सस्ता मिल रहा हो। तो सबसे क्वालिटी कहा जाता है कि बीपी का ब्रिटिश पेट्रोलियम जो कंपनी है इनका अच्छा होता है, तो मैं हमेशा इन्हीं से डलवाता हूँ। हाँ जी, बारिश हो रही है आज, और काफ़ी मौसम मतलब बारिश वाला रेनी है, और देखें कि यहाँ पर स्प्रिंकलर भी चल रहे हैं और पानी भी लग रहा है। तो बारिश हो, जो भी हो, जो एक रूटीन से इनमें पानी आना होता है ना सप्लाई का, वो आता है और उसके बाद स्प्रिंकलर चलते हैं हर सुबह में। दूर दराज इधर मर्जी चले जाओ उधर आपको ये जो है ना स्प्रिंकलर चलते हुए नज़र आएंगे। और यही वजह है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, स्पेशली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर आपको ग्रीनरी जो है कर्ब्स के ऊपर और हर जगह पर हाउसेज के बाहर भी नज़र आती है। हाँ जी, तो लेट नाइट क्रेविंग के लिए जो है ना ये चिकन निबल्स बनाए हैं, साथ में ये ऑनियंस हैं और चिकन पॉप्स भी थोड़े से। तो एक बंदे के लिए नहीं, 2 बंदों के लिए, ठीक है? आप ये ना सोचें कि यार इतना काशिप भाई ने खाने। और मेरे यूट्यूब और टिकटॉक को फॉलो करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।